हेलो गाइस, कैसे हो? तो की खबर, कैने आसे? बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, मतलब बहुत टाइम बाद वीडियो नहीं बना रही हूँ, बहुत पहले वीडियो बनाई थी जब मैं अपनी नेटिव प्लेस में गई थी। तो जुलाई 27 को गई थी, वहाँ पे 6-7 दिन के लिए फैमिली को टाइम देने के लिए, और मुझे थोड़ा सा काम भी था। तो हम उधर जाके फैमिली को बहुत टाइम दिया, बहुत मस्ती भी किया। एग्जैक्ट ब्लॉग नहीं बना पाई, छोटा छोटा क्लिप लिया, जो उसको अभी जोड़ जोड़ के मैं ब्लॉग का नाम दे दूँगी, ब्लॉग बना लूँगी, क्योंकि फैमिली को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी उस टाइम। बाद में हम ट्रेन से गए थे, ट्रेन से क्योंकि हम 3 दोस्त गए थे, मेरे दोस्त लोगों को घर लेके गई थी, मम्मी बुला रही थी। तो ट्रेन में जाके हालत पूरा ख़राब हो गई थी, इसलिए 2 दिन तो हमने कुछ भी कहीं नहीं गया, कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। नेक्स्ट जब मैं अंकल के घर गई, दीदी के घर गई, मंदिर पे गई थी, तभी छोटा छोटा क्लिप लिया, जो आगे मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए आगे चलते वीडियो देखते हैं। और बैक होके मैंने मुंबई में एक काम भी किया, वो भी बोलूँगी, लेकिन पहले वीडियो देखते हैं। तो मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी पहुँच गए हम 3 दिन के सफ़र के बाद। तो आवाज़ तभी आ गई। यहाँ पे स्पेशली आई थी मैं भी ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि मेरा माइंड हो गया ब्लोइंग, तो उसके वजह से ना वीडियो बन पा रही है ना कुछ बन पा रही है, सब चौपट। मैं सोच रही बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन यहाँ पे टू मच गर्मी है, हर टाइम पसीना नहाने ही नहाना हो रहा है, तो कुछ भी नहीं बन पा रही है। शायद ब्लॉग नहीं बनेगी, बनेगी तो इतना सा काट कूट के कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी अच्छी जगह है ना, यहाँ पे हरियाली हरियाली है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बोलूँ। बोल रहे ना, जितनी अच्छी खूबसूरत जगह है, नहीं गुलाब में काटते रहते ऐसे ही कुछ है ना, गुलाब तोड़ने के लिए काटे काटे का चुभना ज़रूरी है, ऐसे ही हरियाली देखने के लिए गर्मी का नहाना ज़रूरी है। कीड़ा लगाया देखो, पकड़ 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 लिया, ओह माय गॉड, देखा फिश पकड़ लिया मैंने सच्ची में, मजा आ गया। ले ऑटो आइडिया, यस 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 यस। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गए, अब 8 बजे उठना पड़ता है, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मिस्त्री वाले का काम आ गया, दिखाती हूँ। घर का काम चल रहा है इसलिए घर में सी है, और आगे मंदिर का भी काम चल रहा है। ले मो वीडियो सारा का ना वीडियो बना लो आज। घर बन रही है, यहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ कर रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, बस वीडियो दिखाने के लिए। उसके बाद हम मंदिर महामृत्युंजय मंदिर के लिए पूरा फैमिली ट्रिप गए हूँ। बहुत ही अच्छा मंदिर है, लेकिन वहाँ पे किसी ने मेरे वीडियो नहीं बनाया शिव जी को दर्शन करने के टाइम पे, वो थोड़ी सी दुख हुई मुझे, फिर भी कोई बात नहीं, उनकी अच्छे से दर्शन हो गए। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी पूजा में मंदिर का, तो अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती जलाने का अलग है, और उनका प्रसाद देने का भी जगह अलग है, सबने ले लिया लगाने के लिए। यहाँ पे दिया लगाना है, तो हम पहुँचते शाम हो गए थे, शाम की हमें आरती मिली बहुत अच्छे से। और ये महामृत्युंजय मंदिर के बारे में मैं बाद में डिटेल्स बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो उनके बारे में बहुत कुछ बोलना है। तो अभी के लिए महाप्रसाद हमने खाया, दर्शन किए, और इनका जो है कौन आया था, किसने बनाया था, सब कुछ डिटेल्स मैं नेक्स्ट टाइम दूँगी। Yes.
चिंग चिंग चंग 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 ऐसे वाले थे ना, कितनी मस्त है। चांदनी रात में खुला आसमान में क्या मस्त है ना, दिन में कल आए मस्त लगेगा। ओए आलो पिसले घगे कान दीबो ओ टिक लो हुआ जेबो बोल दे बात करने को कोई दे ना बात करने को जा कि ना है ना है के मैं कने के सासे देखिसो नंबर 1 भाई। तो तीसरा दिन हमने फुल ऑन मस्ती की, मछली पकड़ने में पूरा टाइम पूरा दिन हमने निकाल दिया मछली पकड़ने में। पानी में ये पीट बोलते हैं उसको हमारे आसामीस में, उसको दिखा रही थी इन लोगों को, तो वो पकड़े, मेंढक भी पकड़े जो वीडियो नहीं बना पाए थी, घिन भी आते थे लेकिन फिर भी मेंढक पकड़े, फिश पकड़े। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि बचपन में हम ऐसे ही मेरे भाई लोगों के साथ फिश पकड़ते थे, यहाँ पे आते थे, केचू से फिश भी पकड़े। ये मेरी भाभी थी जो केचू छिला रहे हैं, मैं छी छी कर रही हूँ, तो मैंने भी की है बचपन में लेकिन बहुत टाइम हो गया ना तो इसलिए थोड़ा सा छी छी हो रही थी, लेकिन मैंने भी ये सब यादें बहुत ताज़ा हो गई। बहुत सारे फिश पकड़ते थे पहले भाई लोगों के साथ तो सारे दिन ताज़ा हो गए, बहुत ही अच्छी लगे। हमने फिश पकड़े भी, छोड़ भी दिया सब कुछ, ऐसे ही पूरा शाम, सुबह से हमने शाम लगा दी कि फिश पकड़ने में। रोमस ना गस कप ए डांगो डांगो चलो डांगो दे डांगो के ए रोड मारे सा छोड़ आको आको रे माखो रे मुलो ए कोई दो ए पोली बड़ी आई तो तू तो कुछ किया नहीं। तो गाइस हम आ जा रहे हैं मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी के घर, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है लंच के लिए। तो जहाँ से दीदी के घर के लिए जाते हैं ना, इतनी खूबसूरत है, सारे खेत ही खेत है, देखो पूरा हरियाली है, नज़ारा मस्त है। भले गर्मी ज़्यादा हो कोई बात नहीं है, लेकिन ठंडी में तो और खूबसूरत दिखती है, गर्मी में भी बहुत अच्छी है। देखो गाय में सब सब दिखने को मिल रही है। तो अभी टेम्पू भी टेम्पू से जा रहे हैं और टेम्पू ये घर का ही है तो कोई इशू नहीं है, सारे हम आराम से जाके उधर दिखाएंगे, बात करेंगे। तो फिर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही नहीं पता, होप सो सुन रहे हो वॉइस, लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा है। लेकिन गर्मी की वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो रही है ना इसलिए इतना नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी। बाद में जब अपने घर का पूजा वगैरह होगा ना तो वापस आके वही सब वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक। बा बोखी वाले ভাল হব কেনে বোখি বাই পোৱা নাই तो गाइस हम लोगों का इधर दही ऐसे निकलते हैं, देखा ये मिट्टी का बर्तन है उसमें से निकालते हैं, कितनी कड़क दही, नो मिलावट, ओनली दूध दूध का, देखो प्योर दही। मैंने पियो हाथ पोंछा दिखाओ, देखो 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 प्योर दही, मम्मी हाथ तो चाऊ हो रही, देखो हाथ देखो प्योर दही। मंदिर ऐसे है कृष्ण जी का, आप लोगों का अलग होते दिखाओ ऊपर से नरसिंह जी। हाँ तो गाइस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा बॉर्न एंड बर्थ है, मेरा जन्म भूमि है यहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, यहाँ पे मैं स्कूल हुई है, कॉलेज दूसरी टाइम जगह पे हुई, लेकिन कितनी खूबसूरत जगह पे, ताज़ी हवा सब कुछ ताज़ा ताज़ा, नो मिलावट, कितनी अच्छी जगह है, आप लोग देख के समझ सकते हो। भले थोड़ा जंगल टाइप हो, हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, बहुत ही अच्छी है, ऊपर बारिश पर गिरती है तो कितनी ठंडी है, और देखो कितने सारे बैम्बो का
कितने सारे बेम्बो का ये पौधा है, कितने सॉरी पौधा बेम्बो है। तो यहाँ पे पौधा हो, सीढ़िया हो, बहुत सारे सब कुछ मिलते हैं। ऐसे कटहल का पेड़ दिखाओ इसको, हाँ ऐसे रस्ते रस्ते में मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। तो आप लोगों को कैसा लगे बोलना, क्यों गांव में डेढ़ साल के बाद आई हूँ तो फैमिली और गांव वाले के सामने वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसे देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगर कोई है नहीं, तो इसलिए मैं बहुत कम वीडियो बना रही हूँ। लेकिन जैसे नेक्स्ट टाइम वापस आ जाएंगे तो ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि तब तक तो समझ जाएंगे ना कि मैं ब्लॉगर हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ, इंट्रो भी नहीं दिया। तो आगे जाएंगे और हरियाली है, चलो दिखाती हूँ। तो मेरे गांव वाले आंटी और ये अंकल लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ, और मेरे दोस्त लोगों के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं असमिस में ये बोल रहे थे कि खेत घुमाने के लिए लाई हूँ, दिखाने के लिए, बारिश में भिगाने के लिए लाई हूँ, और मैं ठीक ठाक हूँ, यही सब बातें चल रही थी। अंकल है हमारा, हाँ नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। चलो हाँ आओ, वन टू थ्री। ये मेंढक वाली से हम ये फिश पकड़ते हैं। चले मच्छी इतना ज्यादा है। ये धान है, आपने पूछा ना कैसे करते हैं, उसको ऐसे जमीन पे उगाते हैं। मैं मच्छी पकड़ने की ट्राई करती हूँ जो हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन इस टाइम नहीं पकड़ते वो, उस टाइम जो पानी कम हो जाते तो हम जमीन से वो ऐसे पकड़ सकते हैं मच्छी। फिर भी लेट्स ट्राई मच्छी पकड़ने की। किसी ने जाल भी नहीं लगा ना, तो जाल से मच्छी निकाल के लेके जाती। हाँ ऐसे थोड़ी ना मच्छी मारे, मच्छी भी बोलेगा पागल औरत, हाँ ऐसे मच्छी पकड़ने आए तो इतना कर सकते, वो भाग नहीं सकते। अभी इतना पानी में तो ऐसे भागेंगे, भाग पागल औरत भाग। इतनी पानी में मच्छी पकड़ने आई है, लेकिन मेरे गांव वाले पकड़ सकते हैं, इधर ही पकड़ लेंगे। अगर जाल मिले ना, हम चुपके से मछली तोड़ के लेके जाएंगे, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। आ जाओ बाद में ब्लॉग देखे ना, बोलेगा हाँ नेकी मच्छी पकड़ के ले गया चोरी करके। चलो एक ने जाल लेके गया था, देखा आपने, उसको पकड़ते। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ, बारिश में आ गई, मजा आ गया। बच्चे अपना स्मार्ट दिखा रहे हैं, देखो इसलिए उसका पापा ने धमकी दिया तो चुप हो गया। तो इसको देखो, तो अपना ही कह रहे ना, वो दादी के साथ आया उनके। तो मैं बोले हूँ ये फिलहाल क्या कर रहे, ये पानी उस खेत में जाएंगे ना, इसलिए हम उसको बंद कर रहे। इसको सब इस बोलते आली। ये देखो तो लास्ट दिन था आज यहाँ पे। उसके बाद हमने मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस टाइम को, इस दिन को मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को, सबको बहुत, वापस आऊँगी मैं बहुत ही जल्दी आसाम। मैंने बोली थी कि मुंबई आके भी मैंने एक काम किया, वो एक्चुअली काम नहीं था, मैंने अडोसी वाटरफॉल जाके वीडियो बना, अडोसी वाटरफॉल का दे दिया और ऊपर आई बटन में भी मिलेंगे, तो जाके देख लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट जरूर करना। और ये आसाम वाली वीडियो भी कैसे लगे आपको भी बोलना जरूर, और जो मैंने आसामीज में बोली आपको समझ में नहीं आया तो वो भी पूछो, मैं कमेंट में बता दूंगी।